समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने सागर जिले में दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की घटना के बाद पीड़िता परिवार से मुलाकात की है, जहां प्रतिनिधि मंडल ने दौरे के बाद तमाम आरोप शासन और प्रशासन पर लगाए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि गांव में घटना स्थल पर मुख्यमंत्री के जाने के बाद पुलिस अधिकारियों और मुख्य आरोपियों पर कार्यवाही न किया जाना यह बताता है कि वह पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के दबाव में कार्य कर रहे हैं तथा मुख्य आरोपी अंकित सिंह को संरक्षण दे रहे हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने तीनों हत्याओं के मुख्य आरोपी अंकित सिंह पर 302 का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार करने, अंजना अहिरवार की हत्या का प्रकरण दर्ज करने, परिवार के बचे हुए सदस्यों को स्थायी सुरक्षा प्रदान करने, सभी मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और शासन के आश्वासन के अनुसार तीनों परिवारजनों के 1-1 सदस्य को स्थायी नौकरी। अब तक हुई तीनों हत्याओं की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से या CBI से जांच की मांग की है। खुरई में बरोदिया नोनागिर नाम का गांव है, जहां पर लगातार 3 दलितों की एक ही परिवार के हत्या हुई है। पहली जो हत्या हुई उसका जो मुख्य गवाह थे नितिन की हत्या के गवाह राजन, उनकी हत्या हो गई। राजन के जो गवाह थी अंजना, उनकी भी हत्या हो गई, लेकिन अंजना की हत्या को सरकार दुर्घटना बता रही है। राजन की लाश के साथ वो अपने गांव में लौट रही थी, पुलिस का कहना है कि वो गिर गई। हमारा कहना है कि उनकी हत्या की गई, उसका केस अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। तो इस पूरे प्रकरण में हमारी मांग ये है कि मुख्य आरोपी अंकित सिंह को गिरफ्तार किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो अंजना है, अंजना के प्रकरण को ऊपर हत्या दर्ज की जाए। और नंबर 3, पूरे तीनों दलित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, स्थायी नौकरी उन्हें दी जाए। और जो एक गवाह बचा है जो लिखा पढ़ी कर रहा है, नौजवान है विष्णु, उसके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए और जिला बदर की कार्रवाई की है, उसको रद्द किया जाए। हम पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच CBI, उसका एक तो है CBI जांच करे या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसकी जांच करे, लेकिन जांच होनी ही चाहिए और ये अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग हैं जिन्होंने हत्या की? ये अंकित सिंह, कोमल सिंह, वहां गोविंद सिंह, इनका बैकग्राउंड ये है कि ये सब भूपेंद्र सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री हैं, इनके नातेदार रिश्तेदार, इनके समर्थक, इनको वोट दिलवाने वाले स्वजातीय लोग हैं। तो हम मुख्य तौर पर हत्या का कारण ये रहा कि ये पूरा आर्थिक साम्राज्य बनाया हुआ है। अगर इनके परिवार की जमीनें नपाई की जाएंगी तो आप देखेंगे कि 500-700-800 एकड़ जमीन मिलेगी, मतलब सीलिंग कानून का मध्य प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। और ये क्योंकि मजदूरी जो कराते हैं वो 300 रुपए की मजदूरी 200 में, 150 में, 100 में, और कभी बेगारी, ये जो इनका आर्थिक शोषण है उसी के अंदर ये एक सामाजिक उत्पीड़न का ये पूरा घटना है। हमारे अंबेडकर वाहिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आ गए हैं, और मैं अनुरोध करूंगा कि वे आकर के कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने सागर जिले में दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, जहां प्रतिनिधि मंडल ने दौरे के बाद तमाम आरोप शासन और प्रशासन पर लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सागर।